अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और ऑल्सो फेसबुक पेज लाइव स्टॉक इनको। क्या हाल है, हम सबके खैरियत से हैं। अच्छा भाई, आज वंस अगेन औरंगी टाउन आए मैं शहजाद भाई की तरफ। शहजाद भाई को अब आप सब लोग बाखूबी जानते होंगे, इन्होंने वलीर मंडी से एक परचेजिंग की थी, तो आप सब ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें। अच्छा, औरंगी टाउन आने का आज मेन रीज़न क्या था? आज औरंगी टाउन में शहजाद भाई ने बताया है कि एक ऐसा शौकीन बंदा है जो शहजाद भाई का दोस्त है, बहुत शौक से उसने दो या तीन बछड़े पाले में दो तीन बछड़े पालता है दो या तीन बछड़े पालता है हाँ दो तीन बछड़े पाल किस कैटेगरी के हैं? अब ये जाके देखेंगे, उसकी कॉल आई थी कि दो तीन बछड़े मैंने पाले हैं इस दफ़ा, तो अभी जाके हम देखते हैं, विजिट करते हैं। ठीक है ठीक है। औरंगी टाउन में किस तरफ है? 10 नंबर। औरंगी टाउन 10 नंबर। चलें भाई, अब थोड़ा सा रास्ते का हम आप लोगों को दिखाते हैं और वहाँ चल के फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। भाई बॉय आ चुका है, क्या हैं भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। और आपने पाला हुआ है, शौक किया हुआ है? ये हमाद भाई हैं, औरंगी टाउन 10 नंबर में, बहुत अच्छा शौक है इनका। छोटे से कमरे के अंदर इन्होंने जो बड़े बड़े बछड़े तैयार किए हैं, अभी आपको दिखा देते हैं। बस ठीक है ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको। हमाद भाई जरा आप करवा दें, शशके वशके दिखा दें थोड़े। ठीक है। अच्छा भाई, अब आप लोगों को ज़रा जगह दिखाएं कि इसने किस जगह में शौक पाला हुआ है। अच्छा भाई, ये एक कमरा देख लो, क्या साइज होगा इस कमरे का? 12 बाई 12 का कमरा कर लो, और दूसरा कमरे का भी यही साइज है। अरे माशाल्लाह यार, माशाल्लाह, तो मोबाइल में भी नहीं आ रहा है। तो पूरा 3 जानवर पाले हुए इसे एक कमरे में? दो चले गए। नहीं यार, इससे भारी थे, तीन चार ऊपर थे। अरे भाई, मतलब सही का यार, तुमने शौक किया हुआ है घर के अंदर यार। हाँ हाँ, लेके आओ। 3 खोटे यहाँ पे रखे हुए हैं यार, ये आप लोग देख लें। और उसने ये दुम्बे भी रखे हैं हमेशा। अच्छा, अभी बच्चे आ रहे हैं, पंखा वंखा यार लगाया हुआ है इसने, लड़के ने। सफाई देखो यार आप, नीट एंड क्लीन, कोई गंदगी कोई गलाजत नहीं हो रही। फोर वगैरह देखें, ओ हो हो माशाल्लाह यार, बच्चा देखें बच्चा आप लोग। ये दांतों में भी दो दांत है, दो चार हो रहा है। चलिए आगे करो इसको, माशाल्लाह यार, समझ लो पूरा आ चुका है इस कमरे के अंदर, अगर ऐसे लंबाई की हम बात करें तो। और बाकी 2 बच्चे ये हैं। अब ये देखना है, देखो भाई ये फोर है इसकी, ये बच्चा है इसके पास। बाहर निकाल लो, मैं तो कह रहा हूँ बाहर निकाल लो। हाँ हाँ, बाहर बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं। कहाँ से लेके आओगे? यहीं से ही लेके आओगे? आ जाओ आ जाओ। चलें भाई, ये देखें भाई माशाल्लाह से आप लोग शौक देखें। ओ माशाल्लाह भाई, अब आप लोग देखें बच्चा वजूद में, चेक करें कितना बड़ा है। वजन में क्या होगा यार ये? क्या होगा? 10 मन कर लें आप लोग, होगा गोश में माशाल्लाह से। और इसको लंबा खड़ा करो, ये देखें वॉइस चेक करें। अब निकल के बता रहे हैं कि मैं किस वजूद पे खड़ा हुआ हूँ यार। कितने टाइम से पाला हुआ है? कम से कम 7-8 महीने। 7-8 महीने से पाला हुआ है तुमने यार ये उसी कमरे के अंदर? नहीं यार, तो कितनी कहाँ से लेके आए थे तुम ये? बस आते रहता था ना पास। अच्छा अच्छा, पंजाब से। भी 4 दांत हो रहा है जी, अभी हुआ है। तो ये घर की कुर्बानी के लिए या फिर सेल करना है? अच्छा भाई, तो फिर देख लें आप लोग वॉइस, सेल करने का इरादा है? हाँ हाँ, नंबर भी चलाते हैं वीडियो के अंदर माशाल्लाह।
अच्छा अंकल का शौक है। अच्छा अंकल का शौक है। अंकल माशाल्लाह आपके शौक को सलाम है भाई। आपने इतने से कमरे के अंदर 3 बछड़े पाले हैं और जिसपे वो कह रहा है आपका बेटा कि 2 बछड़े चले गए। अच्छा मतलब बेच दिए जिनका था पालते भी। अच्छा पालते भी आप लोग अपना भी रखते हैं। तो मतलब कितने टाइम से पाल रहे हैं आप? ये तो समझ हमारे बचपन से शौक है। बचपन से शौक है। तो मतलब इस कमरे के अंदर कितने साल से आप पाल रहे हैं लोगों के जानवर? समझ जाओ कि 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से पाल रहे हैं हर साल। मतलब ये अगर अभी चला जाएगा तो इसके बाद कोई और फिर आप लेके आ जाएंगे? अरे माशाल्लाह अंकल खाली रखना नहीं अपने। ओहो मतलब इतने बड़े शौकीन हैं आप माशाल्लाह से। अल्लाह पाक कारोबार में करम करें। आमीन आमीन माशाल्लाह से। भाई ये बच्चा है इसको ज़रा चलाओ भाई। जिसको अगर समझ में आता है और सेल के लिए अवेलेबल है बच्चा तो कॉन्टैक्ट कर लें आप लोग। ठीक है दांतों में 4 है डिमांड इसकी, कॉन्टैक्ट पर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है भाई। डाइट वाइट में क्या दे रहे हो? डाइट में पूरा वंडा चलता है। वंडे में क्या क्या चीज़ हैं? वंडे में अट्टी है, दलिया है, टुकड़े हैं, मिक्स अट्टी है। अच्छा चोकर है, पूरा दलिया है। तो फार्म वाले का टक्कर नहीं होता। मतलब फार्म वाले के बराबर। और क्या पलाई पे ले रहे हो? पलाई है 40,000। पलाई 40,000 रुपये। जो दूध तेल दही घी सब अपने हमारे। अच्छा सिर्फ दूध का अलग है, बाकी सारा हिसाब किताब उसी के अंदर है। ठीक है भाई यहाँ से आप लोगों को दिखाऊं तो एक ग्रिल लगी हुई है बस, और इसके अंदर बंधे हुए जानवर। ठीक है आप दांत दिखाओ इसके। हाँ मैं नंबर भी डाल देता हूँ। ये देखें भाई दांत देखना आप लोग। ठीक है अच्छे में बहुत गुंजाइश है। नंबर बता दो अपना। अच्छा अंकल बता रहे हैं 25,53,916। पंखे वंखे लगाए हुए हैं यार इसने। मतलब इसको कहते हैं असली शौकीन यार माशाल्लाह से। सफाई का खास ख्याल रखा हुआ है इसने कि जानवर तंग ना हो जगह से। और पक्के पे बांधा हुआ है फर्श पे। आदत हो गई होगी इनको तो? टाइम हो गया कम से कम। टाइम हो गया। अच्छा जब शुरू में मतलब बांधते हो गए तो मसले होते होंगे इन दो पक्के पे? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। एक टाइम हो गया समझ जाओ 3 मंथ से हमने 14 मन भी तैयार किए हैं। अच्छा 3 मंथ से 14 मन भी तैयार किया है माशाल्लाह यार। भाई ये बच्चे अवेलेबल है फॉर सेल के लिए, बाकी 2 नहीं। वो 2 नहीं है। ठीक है वो पलाई के लिए आए हैं। और तुमने अपने घर का शॉप वो जो वाला है ना वो वाइट वाला, वो वाइट वाला खीरा है। वो खीरा है? वो खीरा है ये अभी बच्चा है। नहीं यार भाइयों ये खीरा है ये बच्चा अभी। ये किस वेट पे होगा यार? तकरीबन 5 मन ऊपर, 5 मन से ऊपर है अभी। ये खीरा है माशाल्लाह यार। मैंने कहा आप लोगों को शौकीन का शौक दिखाऊं, फॉर सेल के लिए अवेलेबल था यार बछड़ा माशाल्लाह से। शहजाद भाई ने दिल खुश कर दिया यार अम्माद भाई के पास ला के माशाल्लाह से। बेहतरीन यार अम्माद भाई बेहतरीन। अल्लाह पाक आपके काम में और बरकत दें। आमीन यार। और आपका बछड़ा बहुत अच्छे रेटों में बिके। रेट वगैरह मैंने इसके कोड नहीं किए हैं, कॉल नंबर डाल दूंगा। ठीक है वो फिर आप जिस जो भी कंज्यूमर की कॉल आए आप उससे फिर डायरेक्ट डील करना कॉल पे। ठीक है भाई बहुत शुक्रिया यार इजाज़त में। ठीक है दोस्तों किसी और वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।